दोस्तों आज हम इस वीडियो में क्लास 8 के भारत की खोज के थर्ड चैप्टर का जो कि एक पॉइंट है प्राचीनतम अभिलेख धर्म ग्रंथ और पुराण को डील करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इसमें हम बात करेंगे कि जो जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने बताया कि कैसे जो सिंधु घाटी सभ्यता है उससे पुरानी जो हमारे भारत की संस्कृति है उसमें वेद आते हैं। जो लोग जो अलग अलग हैं उनमें मानना है कि जो वेद है वो बहुत पुराना है, कुछ मानते हैं कि जो वेद है वो उतना ही पुराना नहीं है। लेकिन दोस्तों इसमें ये बताया गया है कि जो वेद है उसको माना जाता है कि वो 1500 ईसा पूर्व में बने थे या उससे पहले के हैं। लेकिन जैसे ही मोहनजोदड़ो सभ्यता की खुदाई हुई जब वो मिले तो लोगों को ये लगने लगा कि वेद जो है वो उनसे ही पुराने हैं, मैं जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है इनसे ही पुराने वेद हैं। इसलिए ये प्रकृति में लग गया कि जो लोग सब हैं वो साबित करने में लग गए कि जो वेद है वो इनसे भी पुराना है या और ज़्यादा पुराना है। इस तरह दोस्तों जो मैक्सिमुलर है उन्होंने बताया कि जो आर्य शब्द थे उनके द्वारा जो सबसे पहला शब्द बोला गया था वो था वेद। इसमें उन्होंने बताया है कि जो आर्य लोग थे उन्हीं के द्वारा वेद शब्द भारत में हर जगह वो लोग जाके आर्य शब्द इसके बारे में बताया करते। मतलब कुछ लोगों का ये मानना था कि जो आर्य शब्द हैं उन्होंने ही वेद को चारों तरफ फैलाया, लेकिन कुछ मानते थे कि जो वेद है वो पहले से बहुत पुराना है और वो भारत में इस संस्कृति में जुड़ी हुई है। दोस्तों इसी तरह से बताया गया है कि जो वेद है उसका लिमिट हमें नहीं पता है कि कब का बना हुआ है, लेकिन इसमें जो ऋग वेद है वो सबसे पुराना वेद माना जाता है। और इसमें बताया गया है कि जो वेद है वो हमारे जो भारत है इसमें बहुत पहले का है, और हो सकता है कि ये भारत के जो कुछ लोग थे जैसे कि पढ़े लिखे लोग थे आर्य सब थे उन्होंने ही इसको फैलाया हो पूरे भारत में। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ यही, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।